पहले दिन धान सौ कमाई करेगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियाँ छोटे मियाँ साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुँच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1 मिनट 38 सेकेंड के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना
नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वही पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी।
अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटी मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वहीं पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनुष्य छिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जानिए फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट
उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी चिल्लर अलाया, एफ सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आलिया भट्ट जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वही रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे।
दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वही पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वही स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनोज छिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अली अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है।
बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट का स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वहीं पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया।
बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आलिया भट्ट जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी छिल्लर और अलाया एफ भी है।
रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वही कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वही पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वही स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनुष्य छिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है।
फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आलिया भट्ट जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुँच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफवी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है।
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। वही पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते है। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय
राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटी मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वहीं पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनुष्य छिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जानिए फिल्म का रिव्यू।
फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है, उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी चिल्लर अलाया, एफ सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आलिया भट्ट जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वही रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक।
बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं। वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। वहीं पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनुष्य छिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए
पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईदी दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन मानसी चिल्लर और अलाया एफ है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना
नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वही पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वही स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी।
अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वही कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर, फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वही पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनुष्य चिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है, उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट
उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी चिल्लर अलाया, एफ सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आलिया भट्ट जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुँच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1 मिनट 38 सेकंड के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे।
दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं। वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। वही पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते है। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आलिया अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है।
बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटी मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं। वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वही पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया।
बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जानिए फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी चिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आलिया भट्ट जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वही रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है।
रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं। पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं। वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। वहीं पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनुष्य छिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल। फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है।
फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आलिया अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट का स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत प्रेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन मानसी चिल्लर और अलाया एफी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है।
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। वही पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वही स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते है। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय
राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत फेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1:38 के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वही कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक। बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं, वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है, वही पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनुष्य चिल्लर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जानिए फिल्म का रिव्यू।
फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी चिल्लर अलाया, एफ सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आलिया भट्ट जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट्स और JJZ AAZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईद दी है। पहले दिन धांसू कमाई करेगी बड़े मियां छोटे मियां, जाने कितना होगा कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस एक्शन पैक्ड मूवी में बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दोनों एक्शन स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेकरार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर और गाने पहले से ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का काफी बस बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी कल 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्साइटमेंट पिक पर है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स अक्षय राठी और रोहित जायसवाल ने फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय राठी ने कहा, फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, लंबे टाइम के बाद लोग महामारी के कारण ईद मनाएंगे, इसलिए पहले दिन का कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास होगा और मैक्सिमम ये 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। अक्षय और टाइगर भीड़ खींचने वाले होंगे, जबकि दूसरे दिन इसमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जायसवाल ने आगे कहा, बड़े मियां छोटे मियां का बजट भी ज्यादा है, इसलिए अगर फिल्म 200 करोड़ के आसपास कमाई करेगी तो इससे मेकर्स खुश ही होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि बड़े मियां छोटे मियां लगभग 20 करोड़ का कारोबार करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा। दरअसल दोनों स्टार्स काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट कर स्वाद चखेंगे। बता दें कि पहले बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन 11 अप्रैल को ईद मनाए जाने के कारण मेकर्स ने फिल्म की तारीख में बदलाव कर दिया है और अब ये 11 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन सुल्तान और भारत प्रेम अली अब्बास जफर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानसी चिल्लर और अलाया एफ भी है। रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर, निराश हुए लोगों को आई पठान की याद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हो गया है। 1 मिनट 38 सेकंड के इस टीजर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की झलक देखने के बाद कुछ लोग इसे अभी से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल रही है पब्लिक।
बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर देखने के बाद ये निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि मेकर्स बार बार एक ही तरह की स्टोरी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ लेकर आ रहे हैं, पठान, टाइगर, फाइटर और अब बड़े मियां छोटे मियां। वही कुछ लोगों का मानना है कि साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। टीजर के अंत में दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, ईद 2024 के मौके पर अजय देवगन की मैदान भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यानी बॉक्स ऑफिस पर इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ फिरते दिखाई देंगे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, रिलीज हुआ बड़े मियां छोटे मियां का टीजर। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2024 की मच अवेटेड मूवी है। फैंस पिछले कई दिनों से फिल्म के टीजर की राह देख रहे हैं। वहीं अब अक्षय और टाइगर ने इस इंतजार को खत्म करते हुए बुधवार को टीजर रिलीज कर दिया है। बड़े मियां छोटे मियां बड़े बजट की फिल्म है जो एक्शन और कॉमेडी दोनों का वादा करती है। ऐसे में फिल्म लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। बड़े मियां छोटे मियां एक शानदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। दोनों टीजर में फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी दमदार है, जो हीरो को बराबर की टक्कर देने वाला है। अक्षय कुमार पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तराश रहे हैं। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक्टर कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। फैंस के बीच फिल्म की हाइप तो बनाए रखने के लिए बड़े मियां छोटे मियां लगातार बड़े मियां छोटे मियां के अपडेट शेयर करते रहे हैं। कहीं ना नया पोस्टर तो कभी फिल्म की रिलीज डेट का रिमाइंडर। फिल्म को उन्होंने चर्चा में बनाए रखा है। बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। वहीं पूजा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। रिलीज की बात करें तो अक्षय कुमार ने साल 2023 में ही बता दिया था कि फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। 2024 की शुरुआत में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म के कई स्टंट सीन्स को हॉलीवुड के एक्शन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ शूट किया गया है। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मनु सिचलर और अलाया एफ भी शामिल है। साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा है। एक्टर बड़े मियां छोटे मियां में विलन का किरदार निभा रहे हैं। क्या बड़े मियां छोटे मियां से अक्षय टाइगर जीत पाए दर्शकों का दिल? फिल्म देखने से पहले जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये दर्शकों को एक एक्शन और रोमांच की रंगीन दुनिया में ले जाती है। इसके मजबूत निर्देशन और शानदार कास्ट के कारण ये फिल्म अगले सीन में क्या होने वाला है ये पता नहीं लगने देती। जबरदस्त सस्पेंस दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म में फ्रेडी और रॉकी की दिलचस्प केमिस्ट्री है। उनकी मस्ती, दोस्ती और उनका रोमांस आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। फिल्म में दोनों फ्रेडी और रॉकी के साथ उनके एक्शन से भरे सफर पर निकलना बेहद ही दिलचस्प और रोमांच से भरा है, क्योंकि जो गलत करते हैं उन्हें वो छोड़ते नहीं और सही सबक सिखाते हैं। ऐसे में इन दोनों टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का असल दुश्मन एक मास्टरमाइंड डॉक्टर कबीर है, जिसे पूरी दुनिया को खतरा है। जितना इंटेलिजेंट उतना ही खतरनाक है डॉक्टर कबीर। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जिसे फ्रेडी और रॉकी खत्म करना चाहते हैं। अब कैसे दोनों मिलकर करेंगे डॉक्टर कबीर का सामना और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये दमदार फिल्म। हालांकि ये फिल्म इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी और हंसी का भी अच्छा मसाला है। जी हाँ, मानसी चिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोहित बोस ने फिल्म में कई मजेदार मोमेंट्स जोड़े हैं। इस तरह से फिल्म एक्शन, ड्रामा और हंसी का एक सही मिश्रण है। फिल्म का पहला हाफ जितना मजेदार और रोमांचक है, दूसरा हाफ भी उतना ही रोचक है। अक्षय और टाइगर की जोड़ी फिल्म में धमाल मचा रही है। टाइगर की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। डॉक्टर कबीर के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन ने धमाल मचाया है। बड़े मियां छोटे मियां एक धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने आकार दिया है। ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट और JJZ फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। ऐसे में इस ईद के मौके पर अपने दर्शकों का पूरा ध्यान रखते हुए
पूजा एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के रूप में शानदार ईदी दी है।